लक्ष्मण वाले और भाई पुराने की जो टीम है, देखिए टीमों के कोच पर ध्यान दें, चार पुल बनाए थे ए बी सी और डी, सभी पुलों में 10-10 टीमें थी और अब ए और बी की जो अपने पुल की बढ़िया टीमें हैं फर्स्ट राउंड क्रॉस करके आई है उनमें ए और बी में पहला जो मैच है आपके सामने है सुधान जीत और सिद्ध पाथेड़ा और ऊपर है भैंसवा सोनीपत और सिद्ध भैंसरू खुद ये मैच होने हैं और इस सी और डी में गरी ए वर्सिज रुखी सोनीपत और मोनी अथोरा वर्सिज जो ये मैच चल रहा है इसकी विनर टीम, इसलिए ए और बी पुल की टीमें अपने अपने राउंड में खेलेंगी और सी और डी की। इस प्रकार से अब इन मैचों के बाद में 20 मैच कम से कम 19 मैच होने हैं, 30 टीमें अभी हमारे पास पहला राउंड क्रॉस करके सेकंड राउंड में पहुंची है और 19 मैच होने हैं फाइनल तक, फाइनल मैच 19वां मैच होगा, इसलिए सभी दर्शक कमेटी ये विशेष ध्यान रखें। काफी समय हो चुका है गैली और रुखी सोनीपत, हाँ गैली आ गई, रुखी सोनीपत भी आ जाए, ये मैच बिल्कुल समाप्ति पर है। हाँ बहुत ही अच्छा, हमारे जो ऑफिसर है अशोक जी, इन्होंने जो पहले 40 टीमों का पुल बनाया था उसमें ए और बी में लगा के 10 बची, सी और डी में 10 बची, उनमें से जो 4-4 मैच एक्स्ट्रा करवाने के बाद फिर इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हमारे पास बचेंगी। 4 मैच बोल दिए गए हैं, उसके बाद 16 टीमों के बीच में जो फाइट होगी आप सब जानते हैं, फिर 16 से 8 बचेंगी जब मैच क्वार्टर के चले जाएंगे, क्वार्टर के मैच शुरू होंगे फिर 4 बचेगी, फिर सेमीफाइनल हो जाएंगे, फिर एक मैच बचेगी जो फाइनल, इस प्रकार की ये प्रणाली अपनाई गई है। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ साथियों, पाथेड़ा की टीम जो स्टेज की साइड है, राजस्थान पुलिस के जवानी टीम का हिस्सा सामने, बुढ़ान जिला जींद के बिल्कुल जूनियर स्तरीय बच्चे अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए, आज क्या बात है भाई दर्शक साथियों, ये बुढ़ान जींद के बच्चे हैं, सेकंड एंकल पर लगातार कॉर्नर एंकल होल्ड कर रहा है बुढ़ान जींद का और अब ऑल आउट का खतरा इस समय पाथेड़ा की टीम 4 के डिफेंस में, 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई दर्शक साथियों अमित सोरा है, जूनियर एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है और अब रेड पर 21 नंबर जर्सी का खिलाड़ी अंकुश नरवाल गांव कथरा, इसके पिता श्री 1994 एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट जगदीश नरवाल थे जो कि आज वर्तमान में बहुत ही अच्छे कोच हैं। अब जो अगला मैच हो रहा है गैली और रुखी सोनीपत, देखिए समय नहीं दिया जाएगा आपको, बहुत लेट हो गए, टूर्नामेंट काफी लेट से हुआ और एक पॉइंट दीपक तंवर को टच किया था 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी गांव पाथेड़ा जिला में हिरगढ़ सचिन तंवर का भाई, अब फिर पाथेड़ा की तरफ से अंकुश नरवाल इस समय रेड पर उदाहरण के बिल्कुल जूनियर स्तरीय बच्चे प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए, बिल्कुल टैलेंटेड है अच्छे बच्चे, अच्छा मैच सुपर टैकल ऑन इस समय पाथेड़ा की टीम के तीन खिलाड़ी ग्राउंड पर मौजूद। ग्राउंड नंबर 2 की दोनों टीमें गैली और रुखी सोनीपत, भैया रुखी सोनीपत की टीम के लिए लास्ट एंड फाइनल कौन है, आप ग्राउंड के नजदीक आ जाए, देखिए गैली की टीम ग्राउंड के नजदीक खड़ी है, रुखी सोनीपत भी आ गई, ठीक है भाई गैली और रुखी सोनीपत ये दोनों टीमें आ जाए, हम भी चाहते हैं कि भाई टूर्नामेंट बहुत सुचारू रूप से चले, अच्छे अच्छी टीमें हमारे बीच में आई, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खिलाड़ियों का, खेल समिति का।
भाई किसी टीम का कोई भी नहीं है कोच साहब, आपका जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा, आप लोग नहीं है। कबड्डी हो रही है, कबड्डी नहीं, ये तो मैच चल रहा है जी, वो हर समय सुनती सोनी पत्र पहली है, ये मैच जैसे समाप्त होता है समाप्त होता है एक तुरंत ही से हाँ तैयार होते हैं ग्राउंड चल रहे हैं, और इस मैच का जो मैच हो रहा है इसका रिजल्ट तुरंत आप स्टेज में पहुंचाया जाता है इसका। सर इनको फिर एक मैच का रेस्ट मिल जाएगा तब सफाई वाला करवा देना। हाँ मैं करो अगले मैच के लिए पैसवाल वर्सेज बैसरू, ये दोनों टीमें तैयार हो गया, पैसवाल वर्सेज बैसरू, और भाई कैली की टीम आ चुकी है, रूस की सही पत्ती आ चुकी है, ग्राउंड नंबर दो पर मैच होगा। मैच थोड़ा साइड हुई और भाई हम रेड पर हैं कि अगर मैं जालमाला की तरफ से टीम नंबर जरिए रख रहा राहुल मल्हार इस समय रेड करता हुआ दर्शक साथी हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ बात करें तो भूटान के कोर्ट पर अंकुश नरवाल इस समय रेड पर मैं दर्शक साथी हूँ, गाँव कसुरा राजस्थान पुलिस में कार्यरत है खिलाड़ी। हेलो हेलो डॉक्टर के लिए तो पक्ष में और एक धर्मेंद्र का भाई है तो वो गए है तो बताओ सर, अगर यही है तो भी बताओ भाई धर्मेंद्र रेवाड़ी के लिए आप आप झूठ बोल के दस और पत्थरा का स्कोर 8-11 का स्कोर होता है। भाई बैच लग रहे और ये ऑफिशियल ऑफिशियल ये कोर्ट में बाकी के केवल ऑफिशियल ऑफिशियल में रहे वॉलंटियर्स में रहे भाई भाई और केवल ऑफिशियल का डिसीजन पहले ले बहुत ही सम्मानित टीम है, कम से कम 30वां मैच है लेकिन किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए दोनों टीमों के कोच और प्लेयर्स मैडम जो पहले समझे उसके बाद जाते अपील है आपका अधिकार आप अपील कर सकते हैं, तीन तीन ऑफिसर लगा रखे हैं जो एम्पायर एक रेफरी उसने आपसे निवेदन है कि आप पहले सुने उसके बाद में अपने अपील जाहिर कर सकते हैं आप। बहुत ही धन्यवाद बहुत ही बढ़िया ऑफिसियल हमारे कहा से खुलाए गए हैं सभी ऑफिसियल, मेरा निवेदन दोनों टीमों से कमेटी किसी भी टीम के खिलाफ सख्त डिसीजन ले सकती है और एक डिसीजन एक प्रतियोगिता का सफल बनाएगा। भाई भाई खिलाड़ी मैच लग रहे और ऑफिशियल से निवेदन है जल्दी मैच करवाए और खिलाड़ी इन ऑफिशियल की मान मर्यादा को समझे,
कहीं बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है भाई। चुनाव आ गया क्या? अपने की बात से बहुत ही अच्छी हो। नहीं रहा तो सर रोक लो, दो मिनट बैठ जाओ भाई। राजेश भाई एक बार आप आओ, एक बार आ जाओ। देखिए भाई कोचिंग से भी मेरा निमंत्रण, आपके बड़े अच्छे ऑफिसर है। नंबर दो पर मैच चल रहा है, इस पर चलो जी आप भी उधर देखें एक बार। जी सर, कमेटी के बिल्कुल प्लेयर बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे मैच चल रहे हैं। शारदा मैच पे है तो दो नंबर कौन हो रहा है फिर तो अशोक जी हमारे पास एक हो रहा जो एक्स्ट्रा गुरु जी। हाँ अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। अशोक जी आप अपना वो सभी लेकर ही आ जाए, यहीं से बता देना। आप ही थोड़ा घूम घूम के दोनों ग्राउंड की जिम्मेदारी को संभाले, आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं और आप पर इन खिलाड़ियों को हमको और हमारी कमेटी को आप पर पूरा भरोसा विश्वास है। हाँ बहुत अच्छा भाई, हम खिलाड़ी तुरंत थोड़ा बाहर आने की कोशिश करें, खेल भावना दिखाते हुए। आखिरी एक मिनट से ग्राउंड नंबर दो पर एक मिनट से बहुत अच्छा मैच चल रहा है भाई। बहुत अच्छी व्यवस्था, बिल्कुल एक स्टेडियम का नजारा बन चुका है। धूप की रोशनी में जो प्राकृतिक रोशनी में आपने टूर्नामेंट देखा, आप कृत्रिम रोशनी में देखेंगे इंसान का दिमाग कहां तक काम करता है वो नजारा आपके पेश होगा। कैसी लाइटों की व्यवस्था करती है, कैसा बिल्कुल चार पॉइंट चालीस बारह बार चक्र साथियों तीन से पानी के लिए बहुत अच्छा खेल दिखाए बच्चों ने। नोएडा जीत चुकी है जी, अशोक जी जेडी अकेडमी नोएडा। हाँ विनर टीम है जेडी अकेडमी जो जीत चुकी है। इनका मैच मम्मी अथवा के साथ होगा जी। जी उनका मैच हाँ पहला चल रहा है कैंडी वेकर अभी शुरू करवाते हैं। कैंडी ए वर्सी रूपी कोनी पर फोर नंबर एक पर पुराण जी वर्षित पाखेड़ा। हाँ बिल्कुल। और बैसवा सोनीपत ए वर्षित बैसरू खुर्द। हाँ और चौथा मैच ये तीन खेल के गई है जेटी अकेडमी वर्षी मम्मी अखबारा साई जो कह आप कह रहे साई चौथा वर्षित एस एम कबड्डी दापेड़ा ए। ठीक है भाई आपने सुन लिया जिस प्रकार का और भाई लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल एक नंबर कोर्ट पे आ जाओ भाई, चारों है ना मैच भाई कर बड़ी अब तक की इतनी सबसे ज्यादा टीम में अब की बात करते हैं हमारे अब तक की पहले भी खूब छब्बीस टीम है लेकिन अब की बात 40 टीम है। हम मजबूर हैं फर्स्ट राउंड बड़ी मुश्किल से चौधरी चौहान जी और कंटिन्यू हम लगे हुए हैं कि मैच थोड़ा सा करवाए लेकिन फर्स्ट राउंड के मैच ही आपके सामने चल रहे हैं।
भैया थोड़ी साइड हो जाइए, अगले दे दो लास्ट 5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो साथी व्यवस्था बना रहे हैं, ये लाइक वाले भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और कमेटी के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बैग रखो यार, बैग साइड में रखो, पग मार रहे खड़े हो रहे जना, अरे ऊपर हल्ला हो रहा है। और मैं बहुत ही भाई ग्राउंड पर कर दिया है, ग्राउंड नंबर 2 की टीम ने ये रुकी सोनीपत और गैली ये ग्राउंड में आ जाए, ग्राउंड तैयार कर दिया आपके लिए। गैली की टीम भाई ये गैली की टीम ग्राउंड पे आ जाए, रुकी सोनीपत आ चुकी है, ग्राउंड नंबर 2 पर ये मैच होगा। बहुत अच्छी टीमें हैं, रुकी सोनीपत भारतीय थलसेना की एक मजबूत टुकड़ी जाट रेजिमेंट की टीम है और दूसरी तरफ कैली के नाम से खेल रही है टीम टोटा यूनिवर्सिटी से भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है यूनिवर्सिटी खेलों में, बहुत अच्छा मुकाबला आपके बीच में। और ग्राउंड नंबर 1 की मैं बात करें तो पाथेरा टीम में सभी खिलाड़ी राजस्थान पुलिस से हैं, दूसरी तरफ जींद जिले का वो गाँव बुडाल जो समय समय पर बड़े उच्च स्तरीय खिलाड़ी हिंदुस्तान को देते आया है और अब तक की इस मैच की बात करें और देखिए मैं साथियों बिल्कुल पूर्ण रानी हो चुकी है, सुपर रेड लगा दी है मेरी बात सुनो सर, 17-27 का स्कोर भाई।